वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल यानी कि अनअकैडमी पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून एंड यस सभी लोगों को सलाम वालेकुम। सो लेट्स प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन आवर कंपनी पेंटिंग्स। ओके एंड बिफोर दैट, चलो कैसे हो आप लोग, हाउ इज इट गोइंग एवरीवन? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, एवरीथिंग फाइन? ओके गुड। ओके सो चलो फिर देखते हैं अपने जो पॉइंट्स हैं कंपनी पेंटिंग्स के अंदर, जो दूसरे पॉइंट से कल हमने टेक्निक्स तक बात करी थी। ओके आज हम बात करेंगे कि इसका फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे डिक्लाइन हुआ, कौन इसके इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रहेंगे। ओके इन सब के बारे में जो हम लोग बातचीत करते हैं। ओके गाइस सो लेट्स प्रोसीड। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, द ग्रोथ ऑफ द स्टाइल। तो आपने ये एक चीज ध्यान में रखना है कि जो पहला लोकेशन होगा कंपनी पेंटिंग्स को लेकर, दैट विल बी द मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके द फर्स्ट एंड द प्रायर लोकेशन विथ रिगार्ड टू द कंपनी पेंटिंग्स, दैट विल बी द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आपको पता ही है जब बात आएगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ओके सो वी हैव गॉट फ्यू लोकेशंस सच एज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा, राइट? सो ये जो लोकेशंस हैं ये इनके मतलब समझ लो प्रायर, मतलब एकदम प्राइम लोकेशंस थे। यहां पर सबसे ज्यादा इनकी पावर इस वक्त एस्टेब्लिश थी, इससे पहले कि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, राइट? सो ऐसे में ही ऑब्वियसली कोई और लोकेशन बात करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास तीन ही ऑप्शन हो रहे हैं, मद्रास, कैलकटा एंड बॉम्बे, और उसमें जो सबसे पहला आएगा दैट विल बी द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। ओके गाइस सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी रिमेंबर्ड फॉर श्योर, कंपनी पेंटिंग्स का प्रायर लोकेशन दैट विल बी द मद्रास प्रेसिडेंसी इटसेल्फ। ओके नाउ नेक्स्ट, मोरओवर द तंजोर आर्टिस्ट्स वर द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द न्यू स्टाइल्स। ओके कहां के आर्टिस्ट को सबसे पहले जो है मौका मिला लोकल आर्टिस्ट की अगर हम बात करें। ओके सो वेयर इट स्टार्टेड, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ तंजोर। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द आर्टिस्ट, सो द ग्रोथ ऑफ द स्टाइल दैट विल बी द आर्टिस्ट, दे विल बी फ्रॉम द तंजोर। ठीक है, सो एट द सेम टाइम वी कैन सी दैट द पॉलिटिकल क्लाउट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रू अ नंबर ऑफ सेंटर्स अरोज सिंस विद रिगार्ड टू द टाइम। ओके द कॉन्सेप्ट इज द पर्टिकुलर स्टेटमेंट व्हाट इट्स ट्राइंग टू से, ठीक है, कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक दबदबा ओके बढ़ता गया, वैसे ही ये अपना जैसे साम्राज्य फैलाते गए, और जैसे जैसे इनका साम्राज्य फैलता गया इनका अपना ट्रेडिशन और कल्चर जो है इंडियन सोसाइटी में मिक्सअप होता गया। ओके तो यहां तक तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी एक मतलब नॉर्मल सी कहानी है। ठीक, ओके सो रिमेंबर एट द सेम टाइम एज द पॉलिटिकल क्लाउट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रू अ नंबर ऑफ सेंटर्स अरोज। तो सबसे पहली चीज मद्रास प्रेसिडेंसी, सबसे पहले जो प्रोमिनेंट इंडियन पेंटर्स को जो मौका मिला कहां से थे ये, सो देवर फ्रॉम द एरिया ऑफ तंजोर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे इनका साम्राज्य इनका राजनीतिक दबदबा बढ़ता गया ये आगे अपने नए सेंटर्स खोलते गए। ठीक फॉर श्योर, देन Each of them was heavily influenced by local traditions. Yes, okay. The most important early production center was Calcutta, and the main patrons of the art were Lord Impey. Okay, बड़ा प्यारा सा ना, क्या क्या खूबसूरत सा नाम है, जैसे घर का pet name होता है, Lord Impey, क्या Chief Justice of the High Court and Lord Wellesley, the then Governor General. Okay, clear guys, everyone. जो नाम आएगा company paintings में सबसे पहले, okay. वहां पर सबसे पहले किसका नाम होगा, लॉर्ड एमपी एंड लॉर्ड वेलेसली। ओके सर प्लीज टेल मी अंजलि, यू गेट इट इमीडिएटली ओके विद इन अ डे और समथिंग। ओके और एल्स डू हैव एनी इश्यू यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है सो गाइस कोई टेलीग्राम लिख दो यहाँ पे, चैनल का नाम डाल दो। यस डियर शफाक, वालेकुम अस्सलाम, सभी लोगों को वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? थैंक यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आप लोग भी एकदम फिट एंड फैंटास्टिक होंगे उम्मीद है। ओके यस दादा, जस्ट स्ट्रगलिंग बिट ऑफ, थोड़ा सा माइग्रेन का इश्यू है बस, बाकी तो सब ठीक है। ओके सो गाइस लॉर्ड एमपी, ठीक है, मतलब कैसा, मतलब अच्छा सा नाम है, ठीक है, और लॉर्ड वेलेसली, ये दो लोग रहेंगे अपने जब बात आएगी कंपनी पेंटिंग्स की शुरुआत की। ठीक तो चलिए आगे देखते हैं, सो दे वर स्पेशली इंटरेस्टेड इन द एनिमल एंड प्लांट लाइफ। तो अब क्योंकि इसको आप एक छोटा सा कोरिलेट कर सकते हो फैक्ट को, ओके व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ द फैक्ट दैट दे वर एक्चुअली
हैविंग द राजपूत द सिंथेसिस. ओके, हाउ द यूरोपियन इंडो यूरोपियन पेंटिंग इट इवॉल्व. तो वॉट इज द एक्चुअल फॉर्मूला, राजपूत प्लस मुगल. ओके, राजपूत प्लस मुगल. ओके, सो दैट इज द इंडो यूरोपियन. ओके, दैट इज द इंडो यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. सो ऐसे में इन्होंने राजपूत पेंटिंग्स की जब बात करेंगे हम, तो इन्होंने राजपूत सिंथेसिस इन्होंने क्या लिया, इन्होंने राजपूत सिंथेसिस लिया था विथ रिगार्ड टू शोइंग ऑफ द कम्युनिटी कल्चर एंड ऑल. ओके, बट विथ रिगार्ड टू द मुगल्स दे वर एक्चुअली टोटली नेचुरलिस्टिक, राइट, इनफैक्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे द नेचर. ओके, सो वॉट इज द सीन हियर, दे वर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एनिमल एंड प्लांट लाइफ. ठीक है, ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग गाइस, एनिमल एंड प्लांट लाइफ विल बी द मेजर सेंटर ऑफ द यूरोपियन पेंटिंग्स, इंडो यूरोपियन पेंटिंग्स. ठीक, सो नेक्स्ट, दे हायर्ड आर्टिस्ट टू पेंट द बर्ड्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग दोज एट द बोटेनिकल गार्डन्स एट कैलकटा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, बाय द टाइम वेलेस्ली रिटायर्ड इन 1813, सम 2552 पेंटिंग्स हैड बीन असेंबल्ड. तो अगर आप देख रहे हो ये जो डेटा है, 2542 पेंटिंग्स जो हैं, थैंकफुली 2542 पेंटिंग्स जो हैं वो बन चुकी थी सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच कीन इंटरेस्ट द ब्रिटिश हैड इन आवर पेंटिंग्स. Literally, they were amazed with the Indian society, culture and all. And they were also amazed with the Indian painters, Indian artists. देखो, दो चीजें होती हैं, the art and the artist. Okay? The art and... मत करो यार आज, मैं already... Okay, बिजली को भी अभी जाना था, अब क्या बताऊं? ना ना दादा, relax. Light आती जाती रहेगी यार. Let it be. Okay. So guys, see this thing now. By the time Wellesley retired, ठीक, 2542 paintings, ये जो data है, देखो prelims में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि Wellesley जब retire हुआ तो कितनी paintings active थी, कितनी बनी, नहीं बनी, नहीं. लेकिन हाँ, ये एक ऐसा डेटा है जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम 2542 लिखना, ठीक है, आपने देख लिया 2500 का एक डेटा है, ठीक है, 2500 पेंटिंग्स हैं, बगल में लिख दो अप्रोक्स लगभग, कहानी खत्म. ठीक, ओके, सो कहने का मतलब यहां पे क्या है, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू कॉल इट दैट, लेट्स जस्ट टेक दैट दिस इज एन आर्ट, ये ग्लास है, ओके, दिस इज ए आर्ट. ओके, लेकिन अगर आप बात करोगे, ठीक, इसको बनाने वाला एक आर्टिस्ट होगा, इसको फ्रेम करने वाला, इसके अंदर जो भी इसने डाला है, एक मतलब साइड में कट्स वगैरह डाले हैं, इसको फ्रेम करने वाला एक आर्टिस्ट होगा, राइट. सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, आर्ट और आर्टिस्ट. ठीक है, आर्ट और आर्टिस्ट दोनों को हमेशा मतलब रखा जाता है कि भाई द टू अदर साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ओके, विदाउट आर्ट देयर इज नो आर्टिस्ट, विदाउट आर्टिस्ट देयर इज नो आर्ट. ठीक, so obviously the Indian painters, Indian artists, they were also too much admired by the British at that time because they were literally amazed hamari paintings, hamare culture ko dekh kar. Okay, so next what we have, apart from Calcutta and Madras, the other major centers were Patna, Banaras and Delhi. theek hai, later Delhi, early Delhi chhod do, theek hai, Patna, Banaras and Delhi. ab Delhi kyon, obviously क्योंकि एक टाइम के बाद जब ये पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, या जब ऑलरेडी जब आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1860, जब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, राइट, सो जब वो पैन इंडिया एक मतलब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली, तो गवर्नमेंट स्टैब्लिश कहाँ हो रही है, सबसे पहले कैलकटा में, फिर बाद में दिल्ली में. ठीक, तो इसीलिए इन्होंने लिखा लेटर ऑन इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ये कब आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इनका जो प्राइम जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन यानी कि फोकस है, वो दिल्ली पे कब आएगा, वो दिल्ली पे आएगा ओनली इन टू द 20th सेंचुरी, द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. सो दिल्ली, ठीक, और उससे पहले जहां पर इनका ऑलरेडी दबदबा चल रहा था, यानी कि कैलकटा, बॉम्बे में तो ऑलरेडी ये है ही,
ओके और जब बॉम्बे में है तो फिर उससे पहले ये मद्रास में भी थे और उसके बाद पटना, ठीक, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विद कैलकटा. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव, सो दिस इज बनारस. ओके वंस अगेन व्हाई बनारस, बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस ऑफ द टू मेनी इंपॉर्टेंट पेंटर्स एंड आर्टिस्ट ऑफ द एरा इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक, ओके. So the subjects of Delhi paintings were splendid Mughal monuments, obviously, and Delhi company style painting is also special as the artist here used the ivory as the base for paintings. Okay, जो एक ivory frame है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है. देखो ivory का जो brush का concept है वो भी available था company paintings के अंदर. और ivory, ये अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस पर particular चीज को, इस पर ivory तो नहीं दिखाई देगी आपको. कहने का मतलब है ये जो frame है, ये जो इसका base है, ये किसका बना हुआ है, आइवोरी का. यानी कि अपने आप में ये एक बहुत ही ज्यादा महंगी चीज हो जा रही थी. ठीक है, अब आइवोरी ऐसी छोटी वोटी चीज तो है नहीं. ओके सो रिमेंबर दिस थिंग गाइस, द सब्जेक्ट्स ऑफ दिल्ली पेंटिंग्स वर द मुगल मॉन्यूमेंट्स. अब अगर दिल्ली में तुम आए हो, पेंटिंग बना रहे हो या फोटोज क्लिक कर रहे हो, तुम खुद ही सोच लो तुम्हारे लिए क्या होगा प्रायोरिटी. तुम या तो नई दिल्ली देखोगे या तो पुरानी दिल्ली देखोगे. नई दिल्ली देखोगे, दैट इज द लटियंस दिल्ली. ओके एडवर्ड लटियंस की बनाई हुई दिल्ली, जो कि हमारा राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक की कहानी को जो है दर्शा रहा है. या आप देखोगे कनॉट प्लेस, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिश. ओके ओके उसके अलावा जब आप ओल्डर आर्किटेक्चर और ओल्डर मॉन्यूमेंट्स की बात करोगे तो आप पुरानी दिल्ली देखोगे, या फिर आप कहीं जो दिल्ली के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं आप उनको देखोगे. सो दे आर वॉट, टोटली मुगल मॉन्यूमेंट्स. ठीक, तो अब जब ब्रिटिश बना रहे हैं तो ब्रिटिश ऑलरेडी उस टाइम अपना तो आर्किटेक्चर बना ही रहे थे, तो अपनी पेंटिंग्स तो नहीं कर रहे थे ज्यादा, लेकिन हाँ क्या कर रहे थे वो, मुगल पेंटिंग. सो दिल्ली कंपनी स्टाइल पेंटिंग इज ऑल्सो स्पेशल एज द आर्टिस्ट हियर यूज द आइवोरी. ठीक, किसका इस्तेमाल हो रहा था यहां पे, आइवोरी का इस्तेमाल हो रहा था पेंटिंग करने के लिए. चलिए अब आगे देखिए. सो फेमस आर्टिस्ट गाइस, प्लीज सी दिस थिंग वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं है. ओके So what is this? Famous artists. Okay. So Sevakram. Guys, naam yaad rakhna. Okay. And ancient eras ke painters aur usme sculptures ko agar aap yaad jo artist hain unka naam nahi bhi yaad rakhte ho ek baar ke liye to chalega. But modern era bole to company style of paintings ki jab baat hogi tab aapko in painters ka naam yaad rakhna hai. Okay? Sevakram. To pehle wale apne kaun hai? सेवक राम साहब. तो सेवक राम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड आप इनका देख पा रहे हो 1717 टू 1830. डोंट वरी अबाउट द एग्जैक्ट द एरा व्हिच ही लिव्ड एंड व्हिच ही लिव्ड ऑन दिस प्लैनेट, बट द वर्क. सेवक राम वॉज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी पेंटर इन पटना. सो गाइज प्लीज रिमेंबर, सेवक राम कहां पर थे, ये पटना में. इट्स वर्थ नोट दैट सम अदर प्रोमिनेंट आर्टिस्ट सच एज शिवलाल, हुलसलाल, झुमकलाल and Farik Chand and Jairam Das lived in Patna and they had such a fame that some people call their paintings belonging to the Patna school. But that's a misnomer. Okay, kyun hai? Abhi hum is pe baat karenge. So remember guys, the major name kaun sa hai? Sevak Ram. Baki ke jo ye painters hain, ye inhi ke saath kaam karne wale painters the. Bahut hi behtareen naam tha inka, lekin aapke liye jo important naam hai yahan par, wo kaun se hain? Sevak Ram. ठीक है, एक बार ये सारे पेंटर्स का नाम लिख जरूर लें, लेकिन हाँ सेवक राम साहब का नाम याद रखिएगा. पटना में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, काफी बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई. और इन लोगों का जो एक ग्रुप था, इसने इस मतलब इस ग्रुप को, यहां की बनी हुई पेंटिंग्स को, पटना की बनी हुई पेंटिंग्स को बाय डिफॉल्ट, ठीक है, पटना स्कूल कहा जाने लग गया. बल्कि एक्चुअली में ऐसा नहीं था, कंपनी पेंटिंग्स कंपनी पेंटिंग्स थी, उसमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक अलग से स्कूल का नाम नहीं दिया गया था. ठीक है, सो गाइज प्लीज सी दिस थिंग, वॉट इज इट, सेवक राम, ओके पटना. बाकी के जो पेंटर्स हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं, ओके okay? लेकिन हाँ लिख सकते नहीं, लिखें जरूर, क्योंकि लेकिन उतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है. लिख लो, एक बार रीड करोगे, मे बी अगर फिल्म्स में आए, वैसे चांसेस नहीं होते हैं, इफ बट अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा, क्या पता कौन सा सवाल डाल दें. ठीक है, सो इन दैट केस, इन दैट सेंस, ओके नाम एक बार लिख दो, अगर क्लिक किया दिमाग में तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, so now coming to the next point, however calling it a Patna school was incorrect for many others.
पटना वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ द कंपनी पेंटिंग्स बिकॉज इट होस्टेड मेनी एक्सपेट्रिएट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यू टू द लोकेशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एज वेल एज प्रोविंशियल कमेटी. ठीक है, सो पटना की ज्योग्राफी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एंशियंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक आप लोग ऑलरेडी वो सब पढ़ चुके हो. ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहां पर फिलहाल, क्या सच में पटना स्कूल जैसा कोई एक घराना कंपनी पेंटिंग्स के अंदर बना था? सो द आंसर विल बी नो. ओके, रिमेंबर दैट. हाँ, वहां के ग्रुप को ऐसा बोले जाने लग गए थे लोकल लोग वहां के कि अरे इन्होंने तो अलग घराना बना दिया है पेंटिंग्स का, लेकिन असल में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पटना स्कूल नहीं था. ओके, क्लियर एवरीवन? सो प्लीज मार्क अप दिस पॉइंट. कंपनी पेंटिंग्स पटना स्कूल, ओके, इज अ मिसनोमर. इट इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी. ठीक, अब बस आपको याद रखना है क्या कि भाई यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे निवासी रह रहे थे. क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रोविंशियल कमेटी भी बनाई गई थी. और कुछ हो या ना हो, पटना विच इज हैविंग टू मच ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी विथ कैलकटा. ठीक, हेंस एज अ रिजल्ट दे वर ऑल एडजॉइंड. ठीक, आगे देखते हैं. सो गुलाम अली खान साहब, अगर हम बात करेंगे सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन पेंटर्स की दुनिया की, तो उसमें नाम आएगा गुलाम अली खान साहब का. ठीक, अब देखें जरा इनके बारे में. द लेटर दिल्ली जेनरे ऑफ द कंपनी पेंटिंग्स इज रिप्रेजेंटेड इन द वर्क ऑफ द आर्टिस्ट अलोन, द नेम गुलाम अली खान साहब. ठीक, सो गुलाम अली खान साहब एंड हिज कलीग्स, ही इज नोन फॉर वेरियस सीन्स ऑफ विलेज लाइफ एंड ही एंड हिज टीम were masters in making the portraits. So guys, please pen down this thing very carefully. You're talking about the great ever painters. Okay, जैसे कि आज हमारे समय मौजूदा समय में हम बात करते हैं कि भाई चलो बेहतरीन पेंटिंग्स की बात आती है, तो एक लौता नाम है पेंटर्स का जो आपकी जबान पर रहता है. यस, एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन साहब का आप नाम लेंगे, राइट? तो उसी जमाने में, उस जमाने के जो एम एफ हुसैन साहब थे वो कौन थे? अपने गुलाम अली खान साहब. ठीक है, अब इनका जो जो मतलब एक क्या बोलते हैं स्पेशलिटी, हर एक चीज, हर एक जो है आर्टिस्ट है उसकी कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होती है. तो उनकी स्पेशलिटी क्या थी? सीन्स ऑफ विलेज लाइफ. ओके, तो गाइस प्लीज पेन डाउन गुलाम अली खान साहब कहां पर हैं, दिल्ली में, और क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे थे? द विलेज सीन्स. ओके, द लाइफ ऑफ विलेज, दैट इज द रूरल इंडिया, द रियल इंडिया. ओके गाइस, क्लियर Everyone, any doubts? Clear, Dada? Gulam Ali Khan, yes, absolutely. Thank you, Sunil. Thank you. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत thank you for the great wishes. So I guess guys, this is all clear with regard to the company paintings. Don't worry, ज़्यादा नहीं है. Okay, बस simple सी बात है. Now we're talking about the decline. Okay, so how the company paintings actually declined. तो एक तो देखो, सबसे पहली चीज, company paintings थी तो जब company यानी कि British government का राज इंडिया से खत्म हुआ तो वो सारी paintings भी अपने साथ ही ले गए, और obviously हमारे पास अपने murals और miniatures थे. हम company paintings को Indian art and culture में क्यों add on करते? ठीक, फर्स्ट थिंग. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने कल एक बात करी थी, एक छोटा सा आप लोगों का डाउट आ रहा था, छोटा सा नहीं, बड़ा खतरनाक सा डाउट आ रहा था कि दे वर प्रमोटिंग इंडियन कल्चर, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कॉमर्स इट, ट्रेड इट एंड ऑल द इंडियन पेंटिंग्स एंड ऑल, दे वर ऑल ट्रांसफर टू द ब्रिटेन, यूरोप एंड ऑल, वहां पर इसका जो है सेल हो रहा था. तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर द इंडियन इमेजेस, इंडियन सिनेरियो, the society of India and how the Europeans, they have, you know, collaborated with the Indians into the society of Indians. Okay? How they are right now living with Indians in the indigenous society of Indians as only. ठीक? So, ये क्या था? एक इमेज ऐसा बना रहे थे. लेकिन फिर एक टाइम आया जब किसी ने इन्वेंट किया कैमरा. ठीक? तो जब कैमरे की जब इन्वेंशन हुई, the actual invention of the camera when it took place, ओके, सो एट दैट टाइम जो यूरोपियंस ये इसलिए पेंटिंग्स बनवा रहे थे कि हमें यूरोप में लेकर जाके अपने लोगों को दिखाना है मेमोरीज वगैरह, अब वो इन मेमोरीज को प्रिंट करा सकते थे विद द हेल्प ऑफ कैमरा. ओके, सो द अराइवल ऑफ कैमरा एंड द मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी प्लेड अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन टू द
the decline of the company painting. So let's see the points, everyone. So the company style of paintings, first of all, was not a pan-India phenomenon. Pan-India, pan ka full form, aap logon ko bahut kai bari aisa hota, sir, pan ka full form kya hai? To pan ke do full form hote hain, pyare bhaiyo behno. Ek hai apna permanent account number aur dusra hai prevalent across nation. Theek? Yani ki pure mulk mein maujood. To pan, P-A-N, yahan par kaun sa wala hai? Permanent account number? Nahin. Yahan par hai apna prevalent across nation. Theek? So it was not a pan-India phenomenon. So prelims specific points, guys, please pen down. The company style, was it a pan-India phenomenon? No. ठीक है, ये पूरे मुल्क में नहीं फैली थी. पेंटिंग कंपनी शैली अखिल भारतीय घटना नहीं थी. ठीक, पहली चीज. दिस स्टाइल डेवलप्ड इन सम सिटीज ओनली विच हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज. ठीक है, ये कुछ ही शहरों में, जैसे ये बड़ी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैलकटा, बॉम्बे, ओके, अपना मद्रास प्रेसिडेंसीज के अंदर, या बनारस, पटना एंड ऑल. ओके, रीजन बीइंग, क्या था रीजन? सो दीज सिटीज हैड मॉन्यूमेंट्स एंड एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स और टूरिस्ट्स. ठीक है, दीज सिटीज हैड मॉन्यूमेंट्स और इनफ्लो ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स और टूरिस्ट्स. ठीक, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहां पर मॉन्यूमेंट्स हैं, ओके, और यहां पर फॉरेन यानी कि यूरोपियन लोग रह रहे हैं या घूमने आ रहे हैं. अब मॉन्यूमेंट्स जहां होंगे, ठीक, वहां पर ट्रैवलर्स, गेस्ट्स, टूरिस्ट्स भी होंगे. और मॉन्यूमेंट्स जहां पर भी होंगे, यानी कि वो एक बहुत मेजर सिटी होगी, यानी कि वहां पर ऑफिसेस भी होंगे, और जहां ऑफिसेस होंगे वहां लोग रहेंगे. सो फॉरेन ऑफिशियल्स यहां रह रहे थे. ठीक है, सो टूरिस्ट यहां आ रहे थे. क्यों? क्योंकि यहां मॉन्यूमेंट्स थे. और मॉन्यूमेंट्स, देखो, तुम किसी एक्स वाई जेड लोकेशन पर घूमने क्यों जाते हो? क्योंकि वहां कुछ एक बेहतरीन, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उस एरिया का. ठीक है, सो मॉन्यूमेंट्स थे, फॉरेन टूरिस्ट थे, ऑफिशियल्स थे, तो यहां पर पेंटिंग्स, पेंटर्स का उजागर हुआ. फिर दीज सिटीज हैड एक्सपैट्रिएट्स फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि यहां पर इंग्लैंड के प्रवासी जो है रह रहे थे. देन the above statement implies that the company style did not develop in regions such as Rajasthan, Punjab hills and Hyderabad which were home to the local traditions. ab jab baat karenge hum Rajasthan paintings, Rajasthan ke andar to do aapne khud hi dekha hai Rajasthan school of art ki jab hum baat kar rahe the to apne aap mein kitne alag alag humne jo hai gharane dekhe the. Kishangarh ho gaya, Banni Thani ho gaya, Kajli ho gaya, tamam aise hamare paas jo hain घराने थे जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पेंटिंग्स की काम, जो राजस्थान घराना, राजस्थान पेंटिंग्स के बारे में बात करते थे. ठीक, हेंस एज अ रिजल्ट, ऐसे में, ओके, वहां पर कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो कि कोई एक्चुअली अलग आर्ट नहीं था, ठीक है, वो बस कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, उनका अपना एक शौक था, तो ऑब्वियसली वो अपना जो ओल्डर ट्रेडिशन है उसको तो कभी भी कवर अप कर नहीं पाएगा. ठीक, फिर पंजाब, ऑब्वियसली सेम कंडीशन, हैदराबाद ऑलरेडी सेम कंडीशन. ठीक, तो यहां का जो लोकल ट्रेडिशन है वो अपने आप में इतना स्ट्रांग था कि वहां पर किसी और की जरूरत ही ना पड़ी. ठीक, सो एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी नेगेटेड दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हैड प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन इंडियन आर्ट्स विच वॉज विजिबल इन द डिटेरियरेशन ऑफ द अबव पेंटिंग स्टाइल्स. तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार देखो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इंडिया, सॉरी, जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे या यूरोपियन जो ऑफिशियल जितने भी थे उनका इम्पैक्ट हमारे उसमें कल्चर पर नहीं था. ठीक है, तो याद रखना, साथ ही साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव का भारतीय कलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा. ठीक है, लेकिन ठीक है, हमारे पे प्रभाव पड़ा लेकिन हमारा खत्म नहीं हुआ मामला. ठीक है, एंड वंस अगेन हैट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये आगे बढ़ता गया बिकॉज इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन आर्ट, इट वॉज मोर, मच मोर इंपॉर्टेंट एंड मच मोर प्रोमिनेंट एंड मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. ठीक, देन यस, इन द अर्ली 19th century दिस आर्ट वॉज एट इट्स पीक and its production was at a considerable level with many of the cheaper paintings being copied by the road. okay, so 19th shatabdi ki shuruaat ki jab hum baat kare to ye company paintings apni charam seema par thi, aisi baat nahi hai, lekin ha fir bhi hamara jo local tradition tha wo acha khasa tha isko ye cover up karne ke liye, itni khatarnak bole to koi alag aisa inhone kuch bhi represent nahi kar diya tha. theek, aur sabse main cheez, sabse important concept tha photography. theek,
सो लेटर द स्टाइल वॉज सब्जेक्ट टू द कॉम्पिटिशन विथ अदर स्टाइल्स एंड फोटोग्राफी. जैसे ही कैमरे की इन्वेंशन होगी, ठीक, यानी कि इन टू द टाइम पीरियड ऑफ 1840s एंड ऑल. सो वेन द कंपनी स्टाइल एक्चुअली वाई इट गेन्ड प्रोमिनेंस, रीजन वॉज येस दे वर जस्ट ट्राइंग टू पोर्ट्रे द इंडियन सोसाइटी इन टू द यूरोप. ठीक, कि देखो यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं और हम इन लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं, ढल के अब हम अपनी जिंदगी आगे ऐसे बिता रहे हैं. ओके, और बस यही चीज इन्होंने भी करने की कोशिश करी यहाँ पर, तो पेंटिंग के जरिए. अब जब फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट, फोटोग्राफी का जमाना जब आ गया है दुनिया में, ठीक, तो फिर भाई बुराई क्या है उसमें, फोटो क्लिक किया अब लेकर जा रहे हैं. हेंस एज अ रिजल्ट अब पेंटिंग्स की खासा जरूरत यहाँ पे नहीं होने लगी. और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा ये गाइज, ये नाम याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ईश्वरी प्रसाद, ओके, वंस अगेन ये भाई, ये हमारे साहब कहां पर थे, सो ही वॉज इन पटना, डाइड इन 1950, बिलीव्ड टू बी द लास्ट नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ द कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग. दैट्स इट गाइज विद रिगार्ड टू द कंपनी पेंटिंग्स. नाउ एनी डाउट्स, एनी इश्यूज, कोई दिक्कत परेशानी? यस प्लीज. ऑल क्लियर सर? पहले जैसे वेस्टर्न लोग मेस्मराइज हो जाते थे, तो अब तो पता ही नहीं चलता पेंटिंग्स में क्या होता है, अब कैसे अट्रैक्ट होते हैं? सी, जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है, ओके, द वन हु इज हैविंग इंटरेस्ट इन आर्ट और एनी काइंड ऑफ कल्चर ट्रेडिशन, उसका अट्रैक्शन अपने आप बखूबी आ ही जाएगा, उसको कोई फिर रीजन की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो हम भी तो उनके वहाँ की पिक्चर परचेज करते हैं बिल्कुल वॉल पे लगाने के लिए. एब्सोल्युटली यही सेम हुआ है. एब्सोल्युटली व्हाई विल दे स्प्रेड इंडियन कल्चर? ओके, कूल एनफ. ऑल क्लियर गाइज? नो डाउट. चलो फिर, ओके गाइज, सो दैट्स इट विद रिगार्ड टू द कंपनी पेंटिंग्स एंड ऑल. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. कंपनी पेंटिंग्स हमने कवर अप कर लिया है. अब हमें जो अगला जो पॉइंट है जो डिस्कस करना है, आज नहीं, इन टुमारोज क्लास, दैट इज वी विल बी स्टार्टिंग द इंडियन लिटरेचर. ओके, वी डिड इंडियन लैंग्वेजेस, ओके, इन आवर प्रीवियस क्लासेस. राइट नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, नॉट टुडे ऑब्वियसली, टुमारो ओनली, that is from tomorrow onwards we will be starting the Indian literature. Okay, how is the Indian literature important, how much important it is, and why it has gained too much name and prominence into the whole globe and all. Okay, so guys, now please remember, you can contact me over my Telegram channel. Okay, that's written here, PMUPSC10, and that's the same promo code as well you are going to apply while you're taking the Unacademy subscription. Okay, so guys, when you go on the with the subscription, what you have, the best educators of this nation, guys, please remember, okay, all of the subscription what we have, the prices, they will be hiked from 1st of August, so 28th to 28th of July, the right time to go for the Unacademy subscription, guys. Jaldi se chale ao, you can get the Unacademy promise, and apart from that, the main test series with regard to your optional, okay, actual pricing 15,000 comes free along with your one year and onwards of the subscription. So with regard to the prices, guys, just let's have a look here. So GS plus optional ki agar hum baat karte hain, so 1, 2 and 3 years ke right now new prices, they are 49,680, 71,798 and 87,264. And iconic GS plus optional ki agar hum baat karte hain, so right now they are for 1, 2 and 3 years 76,500, 117,750 and 155,750. So guys, please remember, offer ends on 28th of July. So quickly go ahead guys, 25 plus 10% का आपका जो डिस्काउंट चालू है, प्लीज उसे कवर अप कर लें जल्दी से. 10% का आपका जो डिस्काउंट है, आप जब ये प्रोमो कोड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा फ्लैट. ठीक, ओके, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव, दैट यस, द प्रीलिम्स प्लस मेन टेस्ट सीरीज, इनकी एक्चुअल कॉस्टिंग आप देख सकते हो, दैट इज 30,000 rupees, दैट कम्स फ्री विद वन ईयर एंड ऑनवर्ड्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन. ओके, so guys, please see this thing here, that 20 full length test, 12 sectional test and 18 topic wise test plus 30 mains test series are also in there. And apart from that, these 20 books, what we call 100% syllabus completion, highly structured with ease of learning, created by best UPSC experts, previous year's questions included, and yes, updated with the current affairs as well. And don't worry about anything,
We got you covered under the Unacademy loan program if you want to go for the subscription. So approval in 2 hours, flexible tenures, minimal paperwork, 0% interest rate, zero processing fee, and literal sense mein, no hidden charges we have. Okay? So guys, quickly go on with the loan program as well if you want to go with the subscription with loan. Don't worry, you can contact me over my Telegram channel. Ye likha hua hai yahan pe, ye promo code bhi hai, aur ye mera Telegram channel bhi hai. So please contact me over there for any issues, for any queries. Okay, I'll be trying my best to respond to you as early as possible. So plus mein agar aap baat karoge types of subscription, we have got the best educators, live classes, courses and PDFs, structured, then live tests and quizzes. With regard to the plus and with regard to Iconic, we have got extra, that is the personal coach and mains question answer writing. So what are the prices? So prices abhi jo hali mein jo naye prices hai, humne discuss kiye hain, theek hai? So baki 1st of August se, we will be returning back to the older, that is the hiked down prices. So guys, please remember to go with the subscription quickly. And yes, Unacademy Combat tomorrow, 11 AM, every Sunday it is 11 AM, 60 minute, 60 question, 4 crore tak ki scholarship jeet sakte ho aap. It will be live on your Android, okay? And yes, available in Hindi and English both. And last but not the least, the new batches, they are also commencing from 28th of July and the free test series. So do nothing, just apply this promo code and unlock the test series. Okay guys, so thank you for joining me today. See you all evening 7 PM with regard to the MacBook session, July issue of the International Relations, right? And please do not forget to like, share and subscribe the video. Thank you. Take care. Jai Hind. Khuda Hafiz.